नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग मज़े कर रहे होंगे। और काफ़ी सर्दी हो रही है अभी, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, दिल्ली में तो तापमान 3 डिग्री तक गिर गया है और यहाँ पे बहुत ठंडी हो रही है यहाँ पे भी। आज का ब्लॉग इसलिए मैं बना रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से अच्छा ट्राइपॉड ढूँढ रहा था ब्लॉगिंग के लिए, तो बहुत सर्च किया, बहुत ढूँढा, तो फाइनली मुझे एक प्रोडक्ट समझ में आया है जो कि मेरे बजट में भी है और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली लगा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि ये ब्लॉगिंग में काम आ सकता है। तो आज का वीडियो इसी बारे में है। जी हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये है मैनफ्रोटो का ट्राइपॉड। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखते हैं कैसा ये ट्राइपॉड है। इसका रिव्यू मैं दूंगा, इसको कैमरा के साथ अटैच करके देखूंगा और क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, कैसे कैसे ये ब्लॉगिंग में काम आएगा। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये अपना ट्राइपॉड है और ये साथ में कुछ ये बुकलेट है, इसमें फ़ोटो लगे हुए हैं, आप इसको कैसे किस किस मोड में इसको अटैच कर सकते हो, ये सब इसमें लिखा हुआ है। अनबॉक्सिंग हमने कर ली है, ये है, देखिए दिस इज़ द प्रोडक्ट। तो अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो देखिए, बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी लग रही है काफ़ी। ये यहाँ पर एलुमिनियम है, ये प्लास्टिक है और जो इसका बॉल हेड है, इसका जो बॉल हेड है, ये बॉल हेड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड का लग रहा है, अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। ये भी एलुमिनियम का बना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे पीछे की तरफ, तो यहाँ पे ये पैड लगे हुए हैं, तो जब आप इसको ज़मीन पे रखेंगे तो ये डैमेज नहीं होगा। अगर हम ब्लॉगिंग ट्राइपॉड की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है ग्रिप। ग्रिप कैसी है इसकी? तो ग्रिप अच्छी है, निर्भर जब आप चलते चलते ब्लॉगिंग करेंगे तो वो पकड़ने में आसान हो, पहला अच्छी ग्रिप बने, दूसरा कैरी करने में इजी रहे, इजीली आप मैनूवर कर पाएँ इसको, लेके चल पाएँ। जब चलते चलते आप ब्लॉगिंग करेंगे तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ होनी चाहिए कि उसका वेट कम हो। जो अदर ट्राइपॉड आते हैं, जैसे जोबी के ट्राइपॉड्स आते हैं जिन्हें आप गोरिल्ला पॉड भी कहते हैं, आपने देखे होंगे, तो उनसे ये काफ़ी हल्का है। जी हाँ, ये इसका प्लस पॉइंट है, बहुत हल्का डिज़ाइन है, लगभग 200-250 ग्राम का इसका वेट होगा। अब ये लाइट वेट है तो आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो, ईजिली बैग में लेके चल सकते हो या हाथ में भी, आपके हाथ में दर्द नहीं करेगा। देखिए, हैवी ट्राइपॉड जो होते हैं, जब आप दिन भर ऐसे ब्लॉगिंग करने वाले हैं तो ये आपकी जो आर्म है ये दर्द करने लग जाएगी, इससे आर्म में दर्द नहीं होगा, आपके हाथ में दर्द नहीं होगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो है, इसका जो बॉल हेड है, इसको सेट करना है इस तरह से, यहाँ पे ऐसे पकड़ेंगे और ये आर्म एक्सटेंड कर लीजिए पूरी, ये हमने आर्म एक्सटेंड कर ली है, तो आप इस तरह से कैमरा अटैच करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अभी मैंने क्या किया है कि अपना वाइड एंगल लेंस के साथ DSLR इस पर अटैच कर दिया है, तो ये सही है। ये देखिए, ये व्यू आएगा आपका ब्लॉगिंग का, मेरी जो आर्म है फुल्ली एक्सटेंड है अभी, तो ये आपका ब्लॉगिंग का व्यू आएगा इस पर, तो लेंथ भी ठीक ही है। तो आप देख सकते हो ईजिली ये इसका वेट जो है कैरी कर पा रहा है, ईजिली इसका वेट को होल्ड कर पा रहा है। ये देखिए आराम से ये होल्ड कर रहा है। ये जो है ये बॉल हेड है, इसको आप घुमाएंगे इस तरह से, ठीक, इस तरह से इसको घुमाएंगे, ये देखिए आप इस तरह से इसको यहाँ पे लॉक कर सकते हैं ऐसे, फिर मोड में शूटिंग कर सकते हो, देन इसको वापस ऐसे करेंगे, ये वापस अपना उसी मोड में आ जाएगा लैंडस्केप। इसको आप ऐसे टेबल टॉप ब्लॉगिंग स्टैंड भी यूज़ कर सकते हो, तो टेबल टॉप ब्लॉगिंग के लिए भी एकदम सही प्रोडक्ट है। उनको कोई ग्राउंड के एकदम पास में शॉट लेना है या शूटिंग करनी है तो लो एंगल शॉट्स कैसे ले सकते हैं, तो ये अगर आप ये देख रहे हो इसके पीछे एक बटन है, इसको मैं अगर ऐसे करूँगा तो ये जो ट्राइपॉड की जो आर्म्स हैं ये और ज़्यादा लो एंगल के लिए एक्सटेंड हो जाती है इस तरह से। अब मैं इसको ग्राउंड पे रखूँगा तो एकदम लो एंगल पे ये आ जाएगा, ये देखिए, और काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी लो एंगल में इसको शूट कर सकता हूँ। फिर आप बॉल हेड को घुमा सकते हैं, मैं बॉल हेड को अगर लूज़ कर देता हूँ किसी भी एंगल से शॉट ले सकते हैं। देखिए मेरे पास कुछ बुक्स हैं, तो सपोज़ आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे सरफेस अनइवन है, तो आप कैसे क्या कर सकते हैं, ये जो बटन देख रहे हैं आप, ये देखिए ये जो बटन है, इससे आप इन आर्म्स की जो लेंथ है इसको ऊपर नीचे कर सके, कम या बढ़ा सकते हैं इनकी लेंथ को। करना क्या है हमें, उस हिसाब से कि हमारा कैमरा सही हाइट पर रहे, एक की जो लेंथ है हम कम कर रहे थे, इसकी एक आर्म है उसको हमने छोटा कर दिया,
बाकी दोनों फुली एक्सटेंडेड है। ये देखिए कहीं नहीं जा रहा कैमरा काफ़ी स्टेबल है, कहीं नहीं हिल रहा है। तो आप इस तरह से इसकी लेग्स की लेंथ ऊपर नीचे करके या एडजस्ट करके अन ईवन सरफेस पर भी यूज़ कर सकते हैं। कैमरा को रिमूव करने के लिए इसको ऐसे घुमा सकते हैं या सीधा इसको यहाँ से अनस्क्रू कर सकते हैं अपने कैमरा को अलग के लिए। तो अब बात कर लेते हैं कैसे ये बेटर है कॉम्पिटिटर से, अपने कॉम्पिटिटर से। तो देखिए सबसे पहला तो मैंने जो बताया इसका लाइट वेट, आप दिन में ब्लॉगिंग करेंगे आपके हाथ में दर्द नहीं होगा, तो लाइट वेट है, कैरी करने में आसान है, बैग में इजीली आ जाएगा। देखिए इसकी आर्म को मैंने ऐसे किया, ये किया और ये किया, ये किया, ये देखिए ये आप इजीली बैग में डाल सकते हैं। दूसरा जो है इसका प्राइस कंपेयर टू गोरिल्ला पॉड और अदर कॉस्टली ट्राइपॉड्स, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मुझे पड़ा है 3200 के आसपास। तो 3200 में इतना अच्छा गोरिल्ला पॉड नहीं है, गोरिल्ला जो अच्छे गोरिल्ला पॉड्स आते हैं वो 5000 से या 4000 से शुरू होते हैं। अब मैं बताता हूँ इसको अपने फ़ोन के साथ कैसे यूज़ कर सकते हो। ये स्लोविक का फ़ोन माउंट है, स्लोविक का मंगाया, ये भी ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये 300 के आसपास या 350 के आसपास मुझे पड़ा। तो ये मैंने मंगाया फ़ोन माउंट के लिए, तो इसको मैं इस पर अटैच करूँगा और अगेन बस इस पर रखना है, देन ये घुमाता हूँ मैं इसको ऐसे करके, ये अटैच हो गया अच्छे से। आपके पास DSLR नहीं है, आप फ़ोन यूज़ करते हो ब्लॉगिंग के लिए, ब्लॉगिंग ट्राइपॉड इसको बना सकते हो, या अपना मोबाइल ब्लॉगिंग सेटअप तैयार है। ये अभी लैंडस्केप मोड में है, इसको आप पोर्ट्रेट में भी कर सकते हो इस नॉब को घुमा के। तो ये देखिए ये इसमें ये हमारा हो गया है अब पोर्ट्रेट मोड, तो पोर्ट्रेट मोड में भी मैं इसमें ब्लॉग कर सकता हूँ। तो मैंने इसको चूज़ क्यों किया ओवर गोरिल्ला पॉड, प्राइस तो था ही, देन जो इसका लाइट वेट था वो तो था ही, पर सबसे जो मेन फैक्टर है जो गोरिल्ला पॉड की जो आर्म्स होती हैं ओवर द टाइम ढीली हो जाती हैं, तो फिक्स नहीं रह पाती इस तरह से, तो ये उससे ज़्यादा ड्यूरेबल है कंपेयर टू गोरिल्ला पॉड। तो यार देखो कोई भी प्रोडक्ट इस दुनिया में परफेक्ट तो होता नहीं है, तो इसके भी कुछ डीमेरिट्स हैं या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो पहला ये है कैमरा इस पर फिक्स होने के बाद, ये नॉब जब आप फिक्स कर देंगे कैमरा पे तो क्विक रिलीज नहीं है आपको, अगर एकदम से कैमरा निकालना पड़े तो आपको ये इसको अनस्क्रू करना पड़ेगा, ये आपको अनस्क्रू करके ही आप इसको कैमरे को निकाल सकते हैं, तो क्विक रिलीज सिस्टम नहीं है इसमें कोई भी। दूसरा ये है कि कोई हैवी लेंस वाला कैमरा इस पर आप यूज़ नहीं कर पाओगे, जो बेसिक फिट लेंस है वो इस पर आप यूज़ कर सकते हो। ये वाला लेंस तो आपने देख लिया, ये है 18 से 55mm वाला लेंस, ये है अपना 70 से 300mm वाला लेंस। इसको मैं अगर टेबल पर रख देता हूँ, मैंने टेबल पर रख दिया है, अभी भी इसका बैलेंस बना हुआ है और ये कहीं नहीं जा रहा है, ये इसके वेट को भी कैरी कर पा रहा है। स्पेसिफिकेशन के हिसाब से लोड कैपेसिटी जो है इसकी 2.5 किलो है, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन दोनों ड्रॉबैक से। पहला मैंने आपको बताया क्विक रिलीज सिस्टम, क्विक रिलीज सिस्टम की जरूरत वहाँ पड़ती है जब आपको बार बार कैमरा निकालना है या कुछ और काम करने हैं DSLR से। तो अगर आपको दिन भर देखिए ब्लॉगिंग ही करनी है इस तरह से, तो क्विक रिलीज की भी ज़रूरत है नहीं। दूसरा इससे बड़े लेंस तो ब्लॉगिंग में यूज़ होते ही नहीं है, अगर आप डेली ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आप नॉर्मली लोग ब्लॉगिंग में वाइड एंगल लेंस ही यूज़ करते हैं, तो उसके साथ तो बहुत इजीली चल रहा है और बहुत हल्का भी है, क्विक रिलीज कह लो या लोड कैपेसिटी कह लो, तो दोनों में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जो तीसरा ड्रॉबैक है इसका, ड्रॉबैक तो नहीं बोलूँगा, अगर जो लोग हैं जिनको एक्शन फोटोग्राफी करनी होती है, एक्शन वीडियोग्राफी करनी है, कि जैसे गोरिल्ला पॉड को आप कहीं भी अटैच कर सकते हो, क्योंकि उसकी जो आर्म्स होती हैं वो बेंड हो जाती हैं, इसकी आर्म्स बेंड नहीं होती हैं, ये बेंड नहीं हो सकती है, तो वो इसका ड्रॉबैक रहेगा कि भाई आप इसको कहीं भी बेंड करके किसी ट्री पे नहीं चिपका सकते या लटका सकते हो, तो उसकी भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लूँगा कि मेरा कैमरा रेलिंग से गिर जाए या पेड़ से गिर जाए, कैमरे को चोट आ सकती है। तो मैं तो खुश हूँ इसको खरीदने के बाद, काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ, जो अगले ब्लॉग आएंगे वो मैं इसी तरह से शूट करने वाला हूँ, देखते हैं गाइस, और बहुत मज़ा आएगा अगले ब्लॉग्स में, देखना ना भूलिएगा मेरे अगले ब्लॉग्स। बाय बाय, सी यू सून।